दोस्तों मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन प्रोग्राम को जारी कर दिया गया है। जिस भी स्टूडेंट्स ने 2023 में 4 सालों का ग्रेजुएशन करने के लिए सेशन 2023 से 27 के अंतर्गत अपना एडमिशन लिया है, उसका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन प्रोग्राम को जारी कर दिया गया है। ये एग्जामिनेशन प्रोग्राम आपका 8 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्रोग्राम के बारे में कम्प्लीट जानकारी दूंगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा और किस सिटिंग में होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स ऑनर्स 4 इयर्स प्रोग्राम अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 23 से 27। इसके नीचे आपका एग्जामिनेशन प्रोग्राम दिया हुआ है जो कि आपको समझना जरूरी है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका एग्जाम होगा 2 सिटिंग में होगा, फर्स्ट सिटिंग एंड सेकेंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग का एग्जामिनेशन टाइम 10 से 1 बजे तक होगा और सेकेंड सिटिंग का एग्जामिनेशन टाइम 2 से 5 बजे तक होगा। तो दोस्तों आपका पहला एग्जाम की बात करें तो आपका जो पहला एग्जाम होगा 19 दिसंबर 2023 को होगा। दोस्तों 19 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में आर्ट्स वाले का एग्जाम होगा। आर्ट्स में भी 2 सब्जेक्ट है, एक सोशल साइंस है और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोनों का जो एग्जाम होगा पहला एग्जाम वो 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। 19 तारीख को कौन सा कोर्स का एग्जाम होगा? मेजर कोर्स का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका मेजर कोर्स में जो भी सब्जेक्ट है उस कोर्स का 19 तारीख को एग्जाम होगा। दोस्तों 2023 से पहले वाला जो ग्रेजुएशन होता था उसमें ऑनर सब्जेक्ट होता था, सब्सिडियरी होता था, कॉम्पोजिशन होता था और प्रैक्टिकल वगैरह सब्जेक्ट होता था, ठीक है। लेकिन 2023 में जो बदलाव किए गए हैं, 4 साल ग्रेजुएशन का किया गया है, इसमें सब कुछ बदल दिया गया है। इसमें ना ही ऑनर्स है, ना ही सब्सिडियरी है, ना ही कॉम्पोजिशन है। इसमें सभी का कोर्स का नाम को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आर्ट्स वाले का जो भी मेजर कोर्स होगा उनका एग्जाम 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। कोर्स तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेजर कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट आपका है, माइनर कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब आपको पता ही होगा क्योंकि जब आपने एडमिशन लिया होगा तो आपने खुद से ही अपना सब्जेक्ट वगैरह चॉइस किया होगा। तो दोस्तों 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में आर्ट्स का एग्जाम होगा मेजर सब्जेक्ट का और सेकेंड सिटिंग में साइंस वाले का और कॉमर्स वाले दोनों लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है। इनका भी मेजर कोर्स का एग्जाम होगा। 20 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में आर्ट्स वाले लोगों का माइनर कोर्स का एग्जाम होगा और सेकेंड सिटिंग में साइंस और कॉमर्स वाले लोगों का भी माइनर कोर्स का एग्जाम होगा। सभी सब्जेक्ट का एग्जाम चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तीनों का एग्जाम सेम ही दिन होगा लेकिन सिटिंग आपका अलग अलग कर दिया गया है। फर्स्ट सिटिंग में आर्ट्स का एग्जाम दे दिया गया है और सेकेंड सिटिंग में साइंस और कॉमर्स का एग्जाम दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम 21 दिसंबर 2023 को होगा। फर्स्ट सिटिंग में आर्ट्स का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स मतलब एमडीसी का कोर्स का एग्जाम होगा, ठीक है, और सेकेंड सिटिंग में साइंस एंड कॉमर्स का एमडीसी का एग्जाम होगा। दोस्तों आपने जब सब्जेक्ट चॉइस किया होगा वो सब्जेक्ट को आप देख लेंगे कि एमडीसी में आपने कौन सा चॉइस किया था, माइनर में कौन सा चॉइस किया था, मेजर में कौन सा चॉइस किया था, ये आपको सही तरीके से देख लेना है, ठीक है। अगला एग्जाम 22 दिसंबर 2023 को होगा। फर्स्ट सिटिंग में आर्ट्स का एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स का एग्जाम होगा एंड सेकेंड सिटिंग में भी साइंस एंड कॉमर्स का एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स का एग्जाम होगा। दोस्तों एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में जो आपका एग्जाम होता है इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट का होता है। आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया हो तो आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, आपने हिंदी सिलेक्ट किया होगा तो आपका हिंदी का एग्जाम होगा। यहाँ पे आप कोर्स में भी देख सकते हैं ये आपका कॉमर्स का है। कॉमर्स में आप देख सकते हैं AEC मतलब एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन और हिंदी का एग्जाम होता है। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स में भी इंग्लिश और हिंदी दिया हुआ है, साइंस में भी इंग्लिश और हिंदी दिया हुआ है, ठीक है। ये सभी कोर्स के सब्जेक्ट का डिटेल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस कोर्स वाले सब्जेक्ट को रीड कर सकते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स का मैंने सभी का डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 23 दिसंबर को जो आपका एग्जाम होगा स्किल इनहेंसमेंट कोर्स का एग्जाम होगा, फर्स्ट सिटिंग में आर्ट्स का और सेकंड सिटिंग में साइंस एंड कॉमर्स का। एंड दोस्तों लास्ट जो आपका एग्जाम होगा 24 दिसंबर 2023 को होगा, इसमें आर्ट्स का फर्स्ट सिटिंग में वैल्यू एडेड कोर्स का एग्जाम होगा और सेकंड सिटिंग में साइंस एंड कॉमर्स का भी वैल्यू एडेड कोर्स का एग्जाम होगा। दोस्तों जो आपका एग्जाम है लगातार लिया जाएगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, आपका एक दिन भी मिस नहीं किया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है द कॉलेज विल अरेंज द प्रोजेक्ट वाइवा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 15 दिसंबर 2023 एंड सबमिट द मार्क्स टू अंडरसाइंड विद इन 3 डेज। इसका मतलब ये है कि जो आपका कॉलेज है आपका प्रोजेक्ट वाइवा या प्रैक्टिकल का जो एग्जामिनेशन होता है वो 15 दिसंबर 2023 को या फिर उससे पहले अरेंज कर लेगा एंड जो उसका मार्क्स है वो 3 दिनों के अंदर आपका अंडरसाइंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था एग्जामिनेशन प्रोग्राम मगध यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का जिसका सेशन 2023 और 27 है। इस एग्जाम के बारे में आगे कोई अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको वीडियो बना के बता दूंगा। चाहे आपका एडमिट कार्ड या किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आएगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें एंड आपको कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।
एंड जय हिंद जय भारत।